नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। लोकसभा सांसद राहुल गांधी बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के ग्राम परसदा में आयोजित आवास न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सांसद राहुल गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना के 30,000 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1,00,000 हितग्राहियों को 25,000 रूपये की पहला किस्त की राशि और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के 500 हितग्राहियों को 1,00,000 रूपये के मान से 5 करोड़ की राशि का वितरण करेंगे। सांसद राहुल गांधी और सीएम बघेल सम्मेलन में बिलासपुर जिले के लिए 597.61 करोड़ रूपये की लागत वाले 413 विकास व निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन करेंगे और चयनित 2594 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और नगरीय क्षेत्रों में 1,117 हितग्राहियों को वन अधिकार पत्रों का वितरण करेंगे। बीजेपी के छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी और ओम माथुर के साथ विधायक और पदाधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 30 सितंबर को बिलासपुर छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई। तो पीएम के आगामी यात्रा पर जानकारी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जीत का एक ही मार्ग है, सामाजिक जीवन के राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में सतत बने रहना और अपने दल के प्रति निष्ठा रखते हुए सामाजिक कामों को और जनता के हित के कामों को जनता के बीच में ले जाकर सरलतापूर्वक कराया जाना एकमात्र जीत का कारण। कई बार ये देखा गया कि बहुत सारा काम होने के बाद भी और लोगों को उसका लाभ मिलने के बाद भी प्रत्याशी जो होता है वो हार जाता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप दायित्व आपके ज्यादा बढ़ते हैं तो कार्य की अधिकता के कारण आप वो व्यवहारिकता नहीं रख पाते हैं। शायद ये भी एक हार का बहुत बड़ा कारण होता है। आप लाख जन विकास कार्य कराएं, साथ में आपको जनता के साथ अपनी व्यवहारिकता को बनाए रखना होगा, तब आपका जीत का मूल मंत्र स्थापित हो पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो 15 वर्ष का शासन था वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में जो जनहितैषी कार्य डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में हुए उसका कीर्तिमान और प्रतिमान आज तक कांग्रेस ने 4.5 वर्षों में एक भी ऐसी योजना के माध्यम से तोड़ नहीं पाई। मैं आपके इस बात को स्वीकार करता हूं कि 15 सालों के बाद जब हम 15 सीटों में सिमटे हैं तो जनता के बीच में हमारे जो माध्यम थे कार्यकर्ता रूपी या नेता रूपी उनकी व्यवहारिकता की कमी थी वो वापस स्थापित कर ली गई है और इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी व्यापक जनादेश के साथ छत्तीसगढ़ में अपने विकास के पहियों को रथ को पुनराग्रसित करेगी। 23 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, किस रूप में देखेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी जननायक हैं इस देश के, जिन्होंने विश्व के एक वापस परम वैभव के शिखर पर भारत को पहुंचाया है। बिलासपुर संस्कारधानी न्यायधानी है, यहाँ पर हम उनका अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं। हम ये क्यों नहीं माने कि उनका छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व सक्षम नहीं है। देश के प्रधानमंत्री हैं और जनता के बीच आ रहे हैं, ये आपकी बात आपकी धारणा गलत है। रोड मैप राजमार्ग तो नहीं है, व्यक्ति की छवि जो व्यक्ति छिपने वाले हैं उनको टिकट दिया जा रहा है और जो जीत सकते हैं जिनका सर्वे हुआ सर्वे के आधार पर जिसका नाम 5 सर्वे हुआ 5 सर्वे में जिसका नाम आ रहा ऊपर लेवल में उनको टिकट दिया जा रहा है और जीतने की स्थिति में और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश में सरकार बनाएगी और बहुमत के साथ होगी सरकार बनाएगी। परिवर्तन यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं? परिवर्तन यात्रा जो चल रहा है, जो आपका बस्तर चालू हुआ और जसपुर से चालू हुआ और जसपुर से चालू हुआ मेरा कोरबा विधानसभा में हाफ परसों, तो परिवर्तन यात्रा में मैं देख रहा हूँ। मैं रात में भी था, सवाल था और आम सभा में था। हमारे यहाँ ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो आए थे और निश्चित रूप से जो लोग हैं चाहते परिवर्तित चाहते हैं, सरकार से छुटकारा पाते नहीं चाहते, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस की जो सरकार है भूपेश सरकार है जो वादा किए थे, जो घोषणा पत्र वादा किए थे वो वादों को फुलफिल नहीं कर रहा है,
और ऐसे तुगलकी फरमान जारी कर रहा है जो सब चीज में आप देखोगे हर चीज में भ्रष्टाचारी है। और जो भी है जो पहले शराबबंदी घोषणा पत्र में किए थे शराबबंदी किए और गोठान का जो भ्रष्टाचारी है गोबर भ्रष्टाचारी है शराब घोटाला हुआ खनिज घोटाला हो रहा रेत घोटाला कोयला घोटाला हर चीज में आप देखोगे आम जनता जो त्रस्त हो गई इनके घोषणा जो घोषणा किए थे उसके आधार पर नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है हर पार्टी के हर वर्ग के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरने को तैयार बैठे हैं और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। संवाददाता से बात करते हुए बीजेपी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुधा शर्मा ने बताया कि आने वाले चुनाव में महिला मोर्चा भी अपना कमान संभालेंगी। हर एक मंडल अध्यक्ष को उनके क्षेत्र के बूथ की जिम्मेदारी दी जा रही है जिसके लिए टीम का गठन किया जा रहा है। वहीं प्रत्याशियों के टिकट को लेकर बात करने पर उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही ये घोषणा हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सारी पार्टियां अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। उसी तरह भारतीय जनता महिला मोर्चा भी अपने स्तर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी विषय में हम बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुधा मिश्रा जी। जी बताएंगे कि आखिर किस तरह की आपकी तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां यह है कि महिला मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी तो अपने स्तर से सभी मोर्चों को लेकर चल रही है सारे बूथ स्तर से शक्ति केंद्र स्तर पे सभी चल रहे हैं लेकिन महिला मोर्चा का एक अलग ही दायित्व है। महिला मोर्चा अभी बीते दो माह पूर्व तीनों विधानसभा में मोर्चा का सम्मेलन करवाया है और इससे बहुत ही बड़ा रिस्पांस भी मिला है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मिलन सम्मेलन भी करवाया है। आंगनबाड़ी सभी बहनों से मिले हैं और लखपति दीदियों से भी मिला गया है। स्वयं सहायता समूह की बहनों से भी लगातार हमारा संपर्क हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि हम हर बूथ में कमल सखी का गठन किए हैं जिसमें सब मिला जुला परिवार है। उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं की बहनें भी हैं मितानिन की बहनें भी हैं वहां के प्रभावशाली महिला बहनें भी हैं और वहां उस बूथ में विभिन्न समाज से अगर महिलाएं हैं तो उस महिलाओं को भी हम रखे हैं तो सब तरह की महिलाएं उसमें हैं ताकि कोई एक व्यक्ति समुदाय से नहीं है कोई एक जाति से नहीं है सब जाति के समाहित एक कमल सखी का निर्माण किया गया है और उस बूथ में हमारी बहनें पूर्णतः भागीदारी बनेगी और समय समय पे उनका बैठक भी लिया जाता है और नौ मतदाता महिलाओं को जोड़ने का काम भी अभी जो जुड़ रहा था नाम तो हमने बीएलओ से संपर्क करके जितना ज्यादा हो सका 18 वर्ष की युवा तो रहेंगे ही महिला लेकिन जो भी महिला बालिका 18 वर्ष की बालिका जो भी पूर्ण करने की अवधि में ऐसा पूरा सर्वे करके हमने एक एक बच्चों को मतलब जुड़वाया है ना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरगुजा में चुनाव समिति के सदस्य और पूर्व वन औषधि पादप विकास बोर्ड चेयरमैन राम प्रताप आपको बता दें कि सरगुजा में राम प्रताप सिंह ने विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ली और चुनाव को लेकर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसका अवसर पर राम प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे वरिष्ठ जन जो हमारे बीच नहीं है उनको हम नमन करते हैं। दो सांसदों से शुरू हुई सफर में विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक दल बीजेपी के आज 18 करोड़ सदस्य बन चुके हैं। चुनाव के समय अपने वरिष्ठ जनों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और पुराने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाकर काम करना है जिसकी जहां जैसी आवश्यकता होगी पार्टी उनका उपयोग करेगी। आप सब लोगों को मालूम है चुनाव अभियान प्रारंभ हो गया और भारतीय जनता पार्टी पूरी योजना रचना बना करके चुनाव में
सरकार बनाने के लिए और विशेषकर अंबिकापुर विधानसभा चुनाव में यहाँ से कमल खिले, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बने, इस अभियान की दृष्टि से ही और मैं यहाँ पर आया था। हमारे पुराने कार्यकर्ता, दायित्वधारी कार्यकर्ता, सभी मोर्चे प्रदेश के कार्यकर्ता सभी के साथ आज बैठने का अवसर मिला, सभी से चर्चा बातचीत हुआ है और निश्चित रूप से हमारा सशक्त संगठन मजबूत और सारे अभियान बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी परिवर्तन यात्रा संपन्न हुआ है तो संगठन मजबूत संगठन और हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे मोदी जी के 9 साल वो जनहित के मुद्दे हैं, सारे मुद्दे हमारे रमन सिंह जी के, डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल में जो जनहित के काम हुए हैं दूसरी लिस्ट, और दूसरा जो है हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागांव जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान नवनिर्मित बस स्टैंड, सेंट्रल लाइब्रेरी, आदिवासी विकास भवन सहित कई कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान जिलावासियों को 403 करोड़ 68 लाख रुपए के 6108 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 131 करोड़ 4 लाख रूपये के 5293 कार्यों का लोकार्पण, 259 करोड़ 57 लाख रुपए के 813 कार्यों का भूमि पूजन और शासन की योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 13 करोड़ 6 लाख रुपए के राशि का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोकोड़ी में स्थापित हो रहे मक्का प्रसंस्करण संयंत्र के ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए मक्का खरीदी की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री बघेल ने विकास नगर स्टेडियम में आयोजित आम सभा में लोक निर्माण विभाग के 7 करोड़ 32 लाख 88 हजार रूपये के 2 कार्यों, सेतु निर्माण विभाग के 15 करोड़ 28 लाख रूपये का 1 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के 1 करोड़ 1 लाख रूपये के 5 कार्यों, जिला निर्माण समिति के 16 करोड़ 53 लाख 52 हजार रूपये के 39 कार्य सहित 24 कार्यों का लोकार्पण किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज 403 करोड़ 68 लाख रुपए के 6108 कार्यों की सौगात मिली, इसकी बधाई। और आज जो सबसे बड़ी बधाई है, हमारे जो मक्का उत्पादक किसान हैं उसका आज मक्का खरीदी की शुरुआत आज से प्रारंभ किया गया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। टेस्टिंग का काम चल रहा है, उसके लिए खरीदी, और इस मक्का प्रोसेसिंग प्लांट से जहां 300 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं 80,000 लीटर एथनॉल का उत्पादन होगा और इसके लिए प्रतिदिन 210 टन मक्के की आवश्यकता होगी। तो जो किसान सस्ते में मक्का बेच देते थे, कभी मक्के की कीमत समर्थन मूल्य से बढ़ जाता था, और लेकिन अधिकांश समय मक्के की कीमत समर्थन मूल्य से 400-500 रुपया कम में किसान बेचते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले समय राहुल गांधी जी आए थे, उस समय मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के शिलान्यास हम लोगों ने किया था और शुरुआत हुई, बीच में कोरोना काल भी आ गया। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।